बैठक में यही हुआ कि जो 22 तारीख को जो विश्वास मत है 12 तारीख को उसमें सब लोग संगठित रहना है, उसमें संगठित होकर के वोट देना है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर सभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को रखा गया है। बता दें आपको कि आज 3:30 बजे से बैठक का यह सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें आरजेडी के विधायक के साथ साथ महागठबंधन के भी सभी नेता यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, सिर्फ कांग्रेस के छोड़कर। कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो तेलंगाना में हैं और आरजेडी के जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे, माले के विधायक पहुँचे। और जो बड़ी जानकारी ये निकल कर सामने आई कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायकों को तेजस्वी यादव ने देर रात, यानी कि आज तो रहेंगे ही, सोमवार तक तमाम विधायक यहीं पर तेजस्वी यादव के साथ में रहेंगे। माले के भी विधायक जो हैं यहां पर मौजूद हैं, और संदीप सौरभ हों या फिर आरजेडी के जितने भी नेता हों या विधायक हों, तमाम लोग यहाँ पर हैं। और माले के जो कुछ नेता हैं, जब बैठक खत्म हुई तो वो बाहर निकले, तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि आखिरकार क्या बात हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह जवाब दिया है कि बैठक जो है वो अभी भी जारी है। आरजेडी के विधायकों के जो ड्राइवर्स हैं या बॉडीगार्ड्स हैं, तो वह तमाम लोग जो हैं वो विधायक का जो सूटकेस है या फिर जो अलग अलग सामान होता है डेली यूजेस के, तो वो उनको लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दिया गया है तेजस्वी यादव के आवास के पास। यहाँ पर देखिए व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। खाने पीने की तो व्यवस्था, जो सुबह में तस्वीरें हमने आप तक पहुँचाई थी कि किस तरीके से जो चावल है या फिर दाल है या सब्जी थी, तो पूरी जो चीज़ें थी हमने तस्वीरें के माध्यम से साझा की थी। और पानी भी जो है वो एक टेम्पू से पूरी तरीके से, कहा जाए कि लगभग एक हफ्ते का सामान जो है वो अंदर रख दिया गया था। ये तस्वीर भी जो है वो आप देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दिया गया है तेजस्वी यादव के इस सरकारी आवास पर, पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। और विधायकों के लिए गद्दे का प्रबंध जो है वो पहले कर दिया गया था, सुबह में ही ये तमाम चीज़ें हो चुकी है। और अब जो है वो सुरक्षा बढ़ाया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए किस तरीके से तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स तो यहाँ पर मौजूद हैं ही, और बैरिकेडिंग भी जो है यहाँ पर कर दी गई है, पहले ये नहीं था और अभी जो है इसमें बदलाव किया गया है। तो बड़ी राजनीति हलचल, तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को जो है 5 देशरत्न मार्ग में रखा है, देर रात तक रहने को कहा है, कल भी रहेंगे, सोमवार तक तमाम विधायक साथ में रहेंगे। जो माले के नेता बाहर निकले और हमने उनसे सवाल पूछा कि आखिरकार क्या बात है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं बयान। बैठक में अभी क्या बातचीत हुई सर? बैठक में क्या बातचीत हुई विधायक जी? क्या बात चल रही है गोपाल जी? बैठक में यही हुआ कि जो 22 तारीख को जो विश्वास मत है 12 तारीख को उसमें सब लोग संगठित रहना है, उसमें संगठित होकर के वोट देना है ना। ये पूरा का पूरा जो महागठबंधन पुराना वाला है वो एकता बंद है, इसी संदर्भ में बात हुई है। अभी बैठक चली है। अच्छा, विधायकों को कैद क्यों किया गया सर? इनका क्या सामान जा रहा हम नहीं बता सकते, लेकिन विधायकों की बैठक चल रही है और हम लोग को जरूरी काम था। हम लोग आप लोग को रुकने के लिए नहीं कहा गया? अरे हम लोग को किसी को रुकने की बात नहीं है, अभी बैठक चल। राजद विधायक तो सामान वामान लेके अंदर जा रहे हैं। नहीं, राजद वाले से पूछिए आप, किसी कौन का किन का सामान क्या जा रहा है। महागठबंधन इंटैक्ट है सर,